और जो भी से अभिमानित होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो मान योगी आदित्यनाथ जी को मानता होगा, मोदी जी को मानता होगा, चुनाव चिन्ह केवल को मानता होगा, ओम प्रकाश राघव को कतई एक नहीं करेगा। ओम प्रकाश राघवर राजभर समाज को इकट्ठा करके बेचने का काम किया, निराधन नहीं किए हैं। तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि ओम प्रसाद आप क्या कहें, मैं पूछ रहा हूँ कि ओम प्रकाश राघव कितने बार फोन उठाते हैं राघव समाज के लोग बताएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब दोस्तों का राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम रसड़ा में मौजूद हैं, हमारे स्टाफ में मौजूद हैं बीजेपी के नेता आदित्य और एस राजभर जी, जो कि कुछ दिन पहले सुभाषपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे और आज हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या माहौल है घोसी का। अवधे जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है और आपके चैनल पे राजभर एक्सप्रेस पे जितने हमारे समाज के लोग देख रहे हैं सबका सादर प्रणाम, जय स्वाले। सर जानना चाहेंगे घोसी लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। देखिए घोसी का माहौल जो है और ऐसा बन गया है, जनता न तो बर्दाश्त कर रही है और न तो खुशी हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि जनता जो प्रत्याशी दी है यहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनसे लोग नाखुश हैं, समाज के लोग भी नाखुश हैं। तो आप किस प्रत्याशी को चाहते थे इस क्षेत्र से? देखिए प्रत्याशी राजभर समाज का कोई हो जी। हम चाहते थे कि राजभर समाज का कोई हो, क्योंकि मैं ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं जो राजभर समाज को इकट्ठा किए, इसका स्वागत है। लेकिन राजभर समाज को इकट्ठा करके राजभर समाज को लाभ न देकर ये सिर्फ अपने परिवारवाद में घिरे हुए हैं। इनको चाहिए कि राजभर समाज में तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, उनको ये टिकट दें। आप ताकि आप किसकी मांग कर रहे, कौन सा चेहरा था जो आप दिमाग? देखिए राजभर समाज का कोई भी व्यक्ति हो उसको इनको लाना चाहिए था। ये देख लीजिए, जैसे ये जब गठबंधन के स्टार्टिंग बीजेपी ने अपने ही बाप बेटा चुनाव लड़े, जब सपा से गठबंधन किए 17 सीट इनको मिला उसमें भी बाप बेटा ये लोग चुनाव लड़े और एक भी राजभर के लिए टिकट नहीं दिए। राजभर की तो बात छोड़िए, एक भी उसमें जो कि पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, सभी टिकट बेचने का काम किए। यानी ओम प्रकाश राजभर जो है ये समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं जी। अब जानना चाहूंगा कि आप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का जो गठबंधन है जी, आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन है, इसके आपकी कहां तक सहभागिता है? देखिए हम लोग माने ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाने के लिए पूरे लोकसभा में लगे हैं, जितनी मेरी ताकत है हम उन राजभरों को जगा रहे हैं कि हे मेरे राजभर समाज के लोगों, सन 2002 से ओम प्रकाश राजभर को आप लोग चंदा देने का काम किया, आप लोग रैली करने का काम किया, आप लोग ने सिर्फ झंडा ढोने का काम किया है। लेकिन माने ओम प्रकाश राजभर की जो रवैया है ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए ये दिन रात काली पेंटर में भर कर राजभरों को रैली दिखाकर कभी सपा के हाथों बिकने का काम करते हैं, कभी बीजेपी के हाथों बिकने का काम करते हैं। तो आप भी तो उस पार्टी में कुछ दिन रहे, तो जब आप थे उस पार्टी में तो उस समय ओम प्रकाश राजभर अच्छे थे? नहीं बिल्कुल नहीं। जब हम विधानसभा अध्यक्ष बने, आज जब जिला पंचायत चुनाव जब आया तो उस समय भी हमने विरोध किया था, क्योंकि माने ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कहते थे कि ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो कहेंगे वही होगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, पार्टी के ये फलाना कार्यकर्ता है, ये पार्टी के लिए सही है, ये जीत जाएंगे, उनको ये लोग टिकट न देकर एक ही वार्ड में जो एक दिन काम नहीं किया है दो दो लोगों को ये लोग टिकट देने का काम किए। आप देख लीजिए गौरा वाले देश में यादव समाज के एक ही घर में माँ और बेटा को टिकट दिए, जनार्दन राघव को टिकट ये लोग काटने का काम किए। पहला हर वार्डों में ये लोग टिकट बेचने का काम किए। इस समय हम गुस्सा होकर घर बैठ गए, लेकिन माने ओम प्रकाश राजभर जी का हो ना या तब जब हल्दरपुर की जब रैली थी, जब ये सपा से गठबंधन किए थे उस समय हमको एक दिन पहले 4 बजे शाम को फोन करते हैं और कहते हैं कि अवधे जी गलतियां हुई है, आइए हम लोग मिलकर काम करते हैं, आगे से इसको सुधारा जाएगा। लेकिन हमने सोचा कि चलो हमारे नेता है, अगर हमको फोन किए हैं कुछ हम सोचे समझे नहीं, फिर इनके साथ लग गए काम करने लगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं राजभर समाज से कि अगर मैं गलत हूं तो ऑन कैमरा मान ओम प्रकाश राजभर और हमको बैठाया जाए और उनसे पूछा जाए
मैं भी उनसे सवाल कर रहा हूं कि मेरी कितनी गलती है, उनकी कितनी गलती है बताएं। और आम कैमरा में बात करना चाहता हूं, मैं देखिए जब नगर पंचायत चुनाव जब आया तो उस चुनाव में ये बिना गठबंधन के दूसरे दल का वोट मंगवाने का काम किए। हम अजय राजभर का वोट मांग रहे थे छड़ी पे रक्सर में, और ये यहाँ पे दूसरे दल का वोट मांग रहे थे पैसा लेकर रसिया में। हमने पूछा कार्यकर्ताओं से, उन्होंने कहा कि नेताजी का जो है कि फरमान है, नेताजी कहे हैं। नेताजी से हमने फोन किया, नेताजी से कहा कि नेताजी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे लोग वोट मांग रहे हैं। नेताजी ने कहा कि देखो यहाँ बसपा और सपा को कमजोर करना है, इनको कमजोर पार्टी को कमजोर करना है। हमने कहा कि सर देखिए आपका दल है, हम लोग का दल है, अपने दल से किसी को प्रत्याशी बनाइए, अगर हमारा प्रत्याशी कैंडिडेट को नहीं आ रहा है तो हम लोग को न्यूनतम हो जाना चाहिए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक सवाल हमारे बातों पे जो है कि ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत बड़ा नेता बन गए हो और तुम पार्टी का मालिक हो, जो तुम कहोगे ही होगा। मैं राजभर समाज से कहना चाहता हूं कि वे राजभर समाज के लोगों ये बताओ कि आप दिन रात चल रहे भारतीय समाज पार्टी के लिए अपने गाड़ी में तेल डालकर संगठन को मजबूत इसलिए करते हैं कि हमारे राजभर समाज का, हमारे राजभर समाज का विकास हो, हमारा राजभर समाज आगे बढ़े। और इस समय यही नेताजी जब आए थे सन 2002 में पार्टी बनाकर, ये कहा करते थे कि मैं आया हूं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आया हूं राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए, मैं आया हूं राजभर के बेटा को बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बनाने के लिए। लेकिन आज तक एक सफाई कर्मी भी नहीं बना पाए और अपने मंत्री बन गए, विधायक बन, सब कुछ बन गए। और ये बताइए कि जब मैं पार्टी में हूं तो क्या मैं झाड़ू पोछा मारने आया हूं, मैं भी नेता बनने आया हूं ताकि हम भी राजभर समाज का उत्थान करें, हम भी राजभर समाज की लड़ाई लड़े, उनके लिए चलने का काम करें। और याद कर रहे कि तो बहुत नेता बन गए हो, मेरा भी अधिकार है, एक एक सोलह भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का अधिकार है जो दिन रात संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, उनका एक एक लोगों का अधिकार है जो अपने गाड़ी में तेल डालकर चलते अपने पैसे से, तो कहीं गलतियां हो तो ये लोग कहने का अपने मालिक से काम करें। और ये नेता भी चाहते हैं कि अगर पेतराज नेता कोई राजा समाज का है तो उसको ये उत्थान करना नहीं चाहते हैं, ये नेता बनने नहीं देना चाहते हैं। पूछना चाहूंगा जो बीजेपी का जो शेष नेतृत्व का जो गठबंधन है भारतीय समाज पार्टी से, तो आप उनकी जो बीजेपी की जो शेष का जो नेतृत्व है उनकी बातों का आप उल्लंघन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं पक्का माननीय मोदी जी को मानता हूँ, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है उनको मानता हूँ, मैं कमल फूल को मानता हूँ। और उल्लंघन की आप जो बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए वोट नहीं दे रहा हूँ कि हमारे नेताओं को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यही मन से कहा करते थे कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी गांव में जाए तो बस बस जूता मारे माधव चौधरी को, हम गाली सुनकर हम इनको वोट नहीं करेंगे। और जो भी स्वाभिमानी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मानता होगा, मोदी जी को मानता होगा, चुनाव चिन्ह केवल को मानता होगा, ओम प्रकाश राजभर को कतई वोट नहीं करेगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमानी तय करता हूं। जैसा कि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के रोज प्रतिदिन कार्यक्रम जगह जगह पे लग रहे हैं, लोगों का समर्थन है, बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन है, तो इसमें आपकी जो मांग है कहाँ तक सुनवाई की जाएगी? देखिए ये राजभर समाज इसको विचार करे, और मैं राजभर समाज से एक चीज कहना चाहूंगा, युवा साथी चाहे जो भी लोग हमारी वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं, राजभर समाज के एक एक नेता चाहे कोई भी नेता हो, किसी से आप लोग उलझने का काम न करे, नेताओं के चक्कर में ना पड़े, ये नेता अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम ही कह रहे हैं, तो सुनिए मेरी बातों को पहले, ये किसी के जैसे ओम प्रकाश राजभर के चलते हमको गाली देंगे, हमारे हमको चाहने वाले ओम प्रकाश राजभर को गाली देंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग गाली गलौज ना करें, विचार करने का काम करें कि वास्तविकता क्या है। जो अधेश कुमार राजभर कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो 17 सूत्रीय मांग किए थे, बताइए उनका मांग के लिए गठबंधन किए, विधायक बने, मंत्री बने, उसी के लिए ये छोड़ दिए कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम हैं, छोड़ दिए कि हमारा मान नहीं मिला। फिर किस मुद्दे पर आप गठबंधन किए? आपको आप ये भी कहे थे कि होली हम जब तक नहीं मनाएंगे जब तक मेरा राजपथ नहीं मिल जाएगा। आप होली भी मना लिए, इसके मतलब कि आपको मंत्री बन गए, आपको राजपथ मिल गया, राजभर समाज को क्या मिला? आप जो है आपके बेटा को टिकट मिल गया,
आपको राजपाट मिल गया, होली मना लिए, सब कुछ कर लिए, राजभर समाज को क्या मिला? इस नाते मैं राजभर समाज से कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर देखो, ब्लागर मत देखो, ये देखो कि ये इनका ये कहते क्या है, करते क्या है। आपको विचार करने की जरूरत है इस पे, क्योंकि कर नेता कौन नेता कहां आपके काम आ जाए कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि कहीं पे आप हमको फोन किए, मेरा फोन न लगे, ओम प्रकाश राजभर काम आ जाए। हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर को आप लगातार फोन कर रहे हो, ओम प्रकाश राजभर कहीं काम ना आ जाए, कहीं ना कहीं उद्देश्य राजभर काम आ जाए। एक सवाल करेंगे आपसे, जैसा कि बीजेपी में माननीय अनिल राजभर जी है, वो भी मंत्री है, उनके बारे में क्या कहेंगे? माननीय अनिल राजभर जी देखिए उस समाज के नेता भले हैं, लेकिन माननीय अनिल राजभर जी पार्टी बनाकर उस राजभरों को इकट्ठा करके ताली टक्कर में भर के रैली लगाकर ये कहीं किसी पार्टी दल को बेचने का काम नहीं किए हैं। माननीय अनिल राजभर जी व्यक्तिगत जहां से है वो विधायक है, दो बार मंत्री है, वहां की क्षेत्र वहां के राजभर समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो राजभर समाज के लिए यहां काम किए हैं, उनके दुख सुख में हर समय उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। इस नाते वहां से दो बार विधायक हैं और वो पार्टी दल बनाकर राजभर समाज को बेचने का काम नहीं करते हैं। आपकी नजरों में सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय अनिल राघव जी का एक चीज मैं देखा हूं, बौद्ध में लगता है क्या? जब अनिल राघव जी जब आते हैं तो अपने गाड़ी में राजभर समाज को बैठाते हैं और बैठाने के बाद उनसे पूरे क्षेत्र की समस्याओं को पूछते हैं कि बैठो और बताओ, हमारे अपने क्षेत्र का समाचार बताने का काम करो, कौन कहां पे क्या हो रहा है, कैसा दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको निस्तारण करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी राजभर समाज का नेता है रसिया में आगे अपने गाड़ी में बैठाते हैं और उनसे जानने का काम करते हैं और उच्च अधिकारियों को फोन करके निस्तारण करवाने का काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, राजभर की औकात नहीं उनके गाड़ी में कोई बैठ जाए। मैंने जो देखा है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को शायद आप जानते रहेंगे जी, मुंबई में हर वर्ष कार्यक्रम होता है और उनको निमंत्रण मिला था अनिल राजभर जी, कौन दिया था? वहाँ के अध्यक्ष जी ने दिया था। देखिए एग्जाम्पल एक मैं आपको जी एक सुनिए ना, आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का मैं राजनीति कर रहा हूँ, अनिल जी के और महाराष्ट्र की बात यहाँ न करें, महाराष्ट्र में आप क्या करते हैं वहाँ बहुत कुछ मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मैं भी सवाल करूंगा तो आपको बुरा लगेगा यहाँ पे, सवाल करूंगा। लेकिन अनिल जी की जो बात कर रहे हैं, अनिल जी को निमंत्रण दिया था वहाँ के राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष जी ने, ठीक है, कहिए। तो वो निमंत्रण में गए, निमंत्रण में कितने दिन गए? दो चार दिन पहले गए थे जी, लेकिन अध्यक्ष जी का फोन जब तक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के स्टेज तक जाने तक उन्होंने फोन अध्यक्ष जी का नहीं उठाया, इस विषय से क्या था? देखिए बड़े नेता है, अब ओम प्रकाश राजभर के सामने हमारे फोन पर देखो उठाते हैं, उनकी तो बात छोड़िए, बिल्कुल बता रहा हूँ अनिल जी की जो बात कर रहे हैं, हो सकता है जिस समय फोन किए होंगे बिजी होंगे। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गांव का मामला है, जो लड़का उनका झंडा लेकर चलता है, एक मामला था सिकंदरपुर थाने में, हमारे पास फोन किया, हमने कहा कि पहले ओम प्रकाश राजभर का फोन लगाओ, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का झंडा लेकर चलने का काम करते हो, अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं सुनेंगे तब अध्यक्ष राजभर वहां सुनने का काम करेगा। और शाम को 5 बजे से फोन लगाते अगले दिन 12 बजे तक फोन लगाया, ओम प्रकाश राजभर का फोन नहीं उठा। और इसी कार्यक्रम में सिकंदरपुर से लोग आए थे, उन लोगों से पूछ लीजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, उन लोग का मैंने फोन किया वहीं से और हमने काम करवाया थाने का फोन करके। आप काम करवा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि ओम प्रकाश, आप क्या कहें? मैं पूछ रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर कितने बार फोन उठाते हैं राजभर समाज के लोग बताएं? आप तो रसड़ा कार्यालय पे नहीं उठाते हैं ना, नहीं उठाते हैं, ओम प्रकाश राजभर कितना फोन उठाते हैं बताइए हमको, जाकर मिले ना आपके रसड़ा में, गजब हाल है, डायरेक्ट मिले अभी अनिल जी से, जाकर डायरेक्ट मिल लीजिए, आप डायरेक्ट ना बोल रहे हैं कि अनिल सब काम कर देखिए, ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को इकट्ठा करके बेचने का काम किया, अनिल राघव नहीं किए हैं, हमें अनिल राघव से कोई शिकायत नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जनता को ओम नहीं जनता को नहीं है, क्या कहेंगे? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि राजभर समाज का लोग है, देखो भी तकलीफ है उस विषय को देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप तकलीफ है तो राजभर समाज को, जो राजभर समाज का नेता है वो सब हम हमारे घर से खुश हैं,
क्योंकि सभी लोग तकलीफ में है, सभी लोग झेल रहे चीज को और जो बाहर भीतर है आपको पता है बिल्कुल हम जानते हैं, जो बाहर भीतर लोग हैं जो नहीं जानते हैं प्रकाश राघव के जो नजदीकी नहीं है वही लोग कमेंट करते हैं, वही लोग बात करते हैं। अगर ऐसी बात है तो किसी गांव में इकट्ठा कर दीजिए लोगों को, हमको बुला लीजिए ना, जवाब सवाल करवा लीजिए हमसे। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी इस समाज में काम कर रहे, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पीछे आप पूरा समाज में काम क्यों बताइए, आप बताइए नहीं लिखिए आज जो देख रहे हैं राजनीतिक माहौल बना है सामाजिक स्तर पे बाहर उनके पीछे जातवाद के चक्कर में लोग घूम रहे हैं, मतलब आप लेकिन पढ़े लिखे लोग उनके पीछे आरोप क्यों, आप बताइए कहाँ पीछे लोग हैं भाई, उनके आप लोग क्यों हमारे लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं, गवार थे बिल्कुल आप भी गवार, बिल्कुल मैं गवार तो था कि जब उनको नहीं जानता था कोई भी, देखिए सन 2002 से आप बता दीजिए हमको ना कि सन 2002 से पार्टी में कितने लोग काम कर रहे हैं, नए नए लोग आते हैं आने के बाद उनको समझने में 5 साल 10 साल लग जाता है, 5 साल 10 साल लग जाते हैं, गवारी को 5 साल 8 साल बिल्कुल गवारी को 2 चुनाव देखे हैं, जिला पंचायत में देखने का काम किया, इसके बाद ये खुद गलती स्वीकार किए कहे कि ऐसा गलती नहीं होगा, फिर वही चुनाव नगर पालिका में उन्होंने कर दिया। जानना चाहेंगे जो राजनीति में आपका आने का जो मुद्दा था, किन मुद्दों पर आप आए थे राजनीति? मैं राजनीति में देखिए मैं दिल्ली में काम करता था, मैं इस मुद्दे में आया था, माननीय अरविंद राजन से लगातार हमारी बातें होती थी दोस्त की तरफ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आओ मिलकर काम करते, हमने आया यहाँ पे, आने के बाद हमने सोचा कि चलो राजभर समाज का नेता है और ये राजभर समाज की लड़ाई लड़ रहा है, चलो हम नौजवान है साथ दे ताकि राजभर समाज का उत्थान हो, लेकिन हम पहले तो सुना करते थे करे हम प्रकाश बिताऊ है, हम लड़ जाते थे किसी से नहीं, हम लड़ जाते थे ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब अंदर रहकर हमने देखने का काम किया तो हमको लगा कि नहीं वास्तव में हम प्रकाश अधिकारी है, ये सिर्फ अपनी जो है कि बेटा की राजनीति कर रहा है, अपने पत्नियों की राजनीति कर रहा है, अपना राजनीति कर रहा है, अपना और कभी आपको लगता है कि सुभाषा जी जो लोग हैं आज जो नए लोग देखिए संतोष जी नए लोग नहीं है, आप पार्टी के सदस्य हैं, देखिए आप क्षेत्र सुनिए जो भारत समाज पार्टी के सदस्य आपकी इस नाते आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग देखिए मेरी थिंकिंग नहीं है, आप प्रदेश के महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी हम पहले आज नहीं है मैं संगठन आपके चैनल पे लोग टटोल कर देख लेंगे तो सिर्फ भारत समाज पार्टी का पूरा पूरा रहेगा और ये चीज अंग्रेज ज्यादा है लेकिन आप ये चीजें नहीं हम तो कभी भी खेल नहीं देखिए नहीं। हाँ। आप जो कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं मैं बता रहा हूं ना कि जो नए नए लोग हैं जुड़ते हैं 5 साल 10 साल काम करते हैं जानते हट जाते हैं ठीक ना, जानते हट जाते हैं, आपसे भी पुराने कार्यकर्ता है पदाधिकारी है, सभी लोग दुखी हैं, अब भी हम आज इंटरव्यू आ रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं, अब भी आज हम एक इंटरव्यू देखिए हमें सीन लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अब हम एक इंटरव्यू लेके आ रहे हैं रमेश सिंह है और अमिता सिंह जी, अब आज मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी आज पुनः ज्वाइनिंग हुई है 2002 से जुड़े हुए आदमी, इस विषय पे आप क्या बोलिए? अच्छा ये बताइए आप जुड़ में आते फिर आज आप कह रहे हैं जी आप कह रहे हैं सन 2002 से कार्यकर्ता है और आज जुड़ने आया है, जब ये सन 2002 से कार्यकर्ता थे तो आज क्यों जुड़े हैं? ये तो सन 2002 से जुड़े थे, जुड़े तो आज आज कर फिर अभी आज दोबारा जुआ नहीं, हम नहीं जानते ऐसे कितने जन से आप कौन है रमेश कौन नहीं जानते हैं, नए लोग आ रहे हैं जो नहीं जानता है जुड़ता है जुड़ रहा है, हाँ तो ऐसे ही आप जैसे बोल रहे हैं कि जैसे आज नए लोग एक ही बात मतलब हमने कह दिया कि नए लोग जो आ रहे हैं जो नहीं जानते हैं जुड़ रहे हैं 5 साल 10 साल संबंध में क्या 10 साल के बाद रमेश जी से पूछिएगा वो नहीं रहेंगे, रमेश सर पहले से जुड़ के अभी दोबारा अभी आपका सवाल था आप ही सन 2002 से जुड़े थे और आज में छोड़े थे फिर आज आज वापस जाएंगे सदस्यता लिए हैं तो आखिर में क्यों छोड़े थे पूछिए उनसे जाकर पहले आप बताइए क्यों छोड़े थे उनसे पूछे तो दोबारा क्यों आएंगे आप बताओ भाई देखिए कहीं ना कहीं सबको लालच है आप नहीं
बिल्कुल नहीं, मैं अपने लिए ओम प्रकाश राजभर देखिए मेरा मिशन ये था कि ओम प्रकाश राजभर अगर समाज के लिए लड़ रहे हैं तो हम भी चल के उनका साथ दें, लेकिन देखा कि ओम प्रकाश है ऐसा बिताऊ, ओम प्रकाश राजभर जैसे बदनाम नेता कोई दुनिया में है नहीं, ओम प्रकाश है ऐसा झूठा नेता कोई नहीं है। राजनीति मैंने कहा आपका भी तो स्वार्थ है, बता दीजिए क्या स्वार्थ है? स्वार्थ क्या है भाई, हम आए थे समाज का सेवा करने उनका साथ देने के लिए, लेकिन आज हम ही चाह रहे हैं कि नेता बने और ओम प्रकाश राजभर जैसे दलाल बेईमान साथी नेता को रक्षा से बिना भेजने का काम करें।